जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शरीफपुर के पास ईख के खेत में चल रही हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने हथियार बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 अवैध देशी तमंचे, कारतूस, ड्रिल मशीन, नाल और अन्य सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी पिछले लंबे समय से अवैध तमंचे बनाने का काम कर रहे थे, जिनकी पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल छापेमारी करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। आज सिंभावली पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है, जिसमें एक व्यक्ति बाबू वो व्यक्ति है जिसको इस क्षेत्र में इसने कई लोगों को ट्रेन किया है शस्त्र बनाने में, अवैध शस्त्र बनाने में। ये खुद भी अवैध शस्त्र बनाता है और प्रमुखतया इससे बड़ा कृत्य ये है इसका कि इसने कम से कम 10 या 15 लोगों को ट्रेन कर रखा है खुद से इसको शस्त्र बनवाने में। जो हमने पीछे 2-4 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं उन सब में कहीं ना कहीं इसका रोल, कहीं ना कहीं नाम हमारे संज्ञान में आ रहा था, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। इससे पूछताछ की गई, सभी चीज़ें वेरीफाई हुई और हमने लगभग 20 तमंचे बने हुए और 6 अध बने, प्लस जितने भी बनाने के उपकरण हैं वो सभी एक शस्त्र फैक्ट्री हमने रिकवर किया है और सिंभावली पुलिस को इस चीज़ के लिए इनाम भी दिया जा रहा है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।